हम भगवतीपुर गांव में के अड्डे पे खड़े हैं और भाई सब ने वे रहा था लगातार वीडियो वायरल होने लग रही है। चांदी गांव का सरपंच, रोहतक डिस्ट्रिक्ट का गांव है चांदी, चांदी गांव के सरपंच की डेड बॉडी छिन्न भिन्न हालत में मेन रोड पे गाड़ी के अंदर मिली है, जिसमें गाड़ी को एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है। भाई एक्सीडेंट है या नहीं है वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर निकला होगा, लेकिन पूरा गांव रोड के ऊपर खड़ा है और हत्या का अंदेशा लगाया जा रहा है, हत्या का अंदेशा लगाया जा रहा है। पूरा गांव डायरेक्टली पुराने सरपंच का नाम इन्वॉल्व करने लग रहा है कि भाई अमित मदान इस हत्या का जिम्मेवार है, ऐसा पूरा गांव कहने लग रहा है। भीड़ पूरी है, कौन इसका जिम्मेवार है भाई वो तो पुलिस भी सारी चीज़ें खोजबीन कर लेगी, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। माता जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। आप क्या नाम माता जी? शीला नाम मेरा। आप क्या लगते हो भाई पहलवान? पड़ोसी हम, पड़ोसी है बाण लागू मस्त। तो आप बताओ माता जी, क्या ये पहले से क्राइम में इन्वॉल्व था अपना भाई ये अमित? हाँ। जो ना ये सरपंच है, इसकी रगसबाजी चल रही थी जब इसके खिलाफ उठा था, जब किए चल रही है। अरे इसने वो रिकॉर्ड मांगा था, रिकॉर्ड पूरा दिया नहीं, तो इब कल रात ने 9 बजे लिया है यू करते और फिर यू मारिया है, मारिया है। वो एक्सीडेंट थोड़ी है, अच्छा, उसका चोट नहीं है। अच्छे से देखी है गाड़ी, ये उड़ा रही है अमित की गाड़ी है। एक्सीडेंट नहीं है? हाँ ना, एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंट कौन है? एक्सीडेंट कौन है जी? मारा गया है। एक्सीडेंट होगा ना जी? तो भाई दोनों ही मरेंगे ना, दोनों आगे बैठे हैं। वो ना मरिया, वो भाई अमित का तो कोई चोट है नहीं, चोट तो दोनों का लगेगी गाड़ी बैठेगी तो, और गाड़ी अमित की और नाम ले दिया कि वो चला रहा था, मारा गया है। हाँ। रिकॉर्ड देने का मारा गया है। अच्छा, आपको लग रहा है कि वह अगर वो रिकॉर्ड देता तो वो फंसता, जेल में जाता? जाता जाता है। इस बैग में इसको मार दिया, इस बैग में मारा गया है, ठीक है। हाँ। तो माता जी कब तक रोड पे? जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक नहीं मिला रोड पर रहेंगे। कनक मुन्ना मारे यार, 4-5 मारे साथ से, जब हमने रोड पर तो उठाएंगे। ये जो जिसकी हत्या हुई है पहलवान की, सरपंच की, ये किस नेचर का इंसान था? गांव में इसका भाईचारा बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। ये तो बड़े छोटे की सबकी आदर मान कर रहा था, बहुत अच्छा इंसान था। अच्छा, झगड़ालू नहीं था? नहीं, किसी के साथ भी नहीं था। दो मैं सब कुछ ऐसा बढ़िया काम करवाऊंगा, ठीक है। घना अच्छा आदमी था, किसी तो कोई बहस नहीं उसकी, बहस तो उसकी भी कौन थी, किसी के वो भी पहले सब आ रहा था। जब पता पड़ा हमने उसके साथ चला गया ना बने पाछ, के जरूरत थी जान की, उसका बेईमान ना हुए था। तो भाई देखो, ये मातर शक्ति भी रोड के ऊपर बैठी है, सारे रोड के ऊपर आ गए। हाँ जी माता जी नमस्ते। मेरे भाई का हमने इंसाफ चाहिए, हमारा भाई का इंसाफ चाहिए, हमारा इंसाफ करो, मेरे भाई की बात इंसाफ करो, हमारा जो भी हमें सर 5 जने मेरी गलियां 4 से 1-2 से हमने यो इंसाफ चाहिए, मारे आगा का बताओ क्यों मारा है, के बात होगी थी? क्यों ले आया? मारे ने बोला चलिए नहीं थी मारे भाई के साथ उसकी, तो उसने क्यों ले आया करता क्या तो मारा गया है वो बस, हमने यो बेरा पटना चाहिए, क्यों मारा है वो? तो भाई देखो, वीडियो तुम देखन लाग रहे हो, लगातार तस्वीरें के साथ हम जुड़े हुए हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो भाई। पूरा मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन में खुल जाओगा, गिरफ्तारी होने के ये पूरा गांव बाट देखना रहा है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी ये गांव यहां से नहीं हटेगा, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी गांव एक साथ यहां बैठा है। खड़ी हो जाए ताई, खड़ी हो। नमस्ते ताई। नमस्ते बेटा। ताई किस स्वभाव का था अपना यो भाई? यो बहुत अच्छे स्वभाव का था, छोटे था बड़े था सबसे प्यार से बोला था, किसी से बैर भाव नहीं कराया करता, सबका काम कराया करता, सबने का की ताई बुआ दादी सबने प्यार से बोलिया करता, किसी का बुरा नहीं करा छोरे ने। नहीं हटो जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी? हाँ नहीं हटाए जब तक गिरफ्तारी, इस बात का न्याय मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, इसका कोई आगे पक्ष नहीं बेचारे, बाबू बूढ़ा है, जनानी है इसकी मेडिकल क्या करेगी, 35-37 साल की जनानी है इसकी, परिवार दिल्ली बसा है, अकेला लड़का है, तो वहाँ उसके पास पकड़वाते क्यों नहीं, यहाँ से कंप्लेंट क्यों नहीं जाती वहाँ? हम यहाँ धरना दे बैठे हैं, एक मिनट रुक जाओ, रुको, यहाँ धरना दे बैठे हैं, जहाँ वो हॉस्पिटल में एडमिट है उसको क्यों नहीं पकड़वाते? कब तक पड़े रहेंगे यहाँ अपने बच्चे ले कम? उसका भी चोट है, चोट है तो यहाँ क्यों नहीं एडमिट हुआ? एक मिनट, यहाँ क्यों नहीं किया उसके साथ एडमिट? मेडिकल यहाँ भी था ना, यहाँ क्यों नहीं किया? वो चोट थी तो उसको दिल्ली ले जाके एडमिट कराया गया। दिल्ली एडमिट क्यों कराया गया उसको? दिल्ली एडमिट क्यों गया? अगर करा है तो उसको ले का आओ, पुलिस ने लेना चाहिए। फरार है वो,
फरार हो गया था वो तो ठीक है। ये कहना चाहते हैं भाई वो एडमिट नहीं है, फरार है, एक तरीका बनाया है बचने का, ऐसा कोई बात है तो भाई उसको पकड़ो क्यों नहीं, कब तक बैठी रहेंगे भूखे पैसे यार। पकड़ो हम अपने बच्चे ने लेकर यहाँ कब तक पड़े रहेंगे, ये घर से बुला के जवान नहीं मिलेगा, अमित सरपंच नु कह रहा था हमारी सरकार है ऊपरली तो इसने यो भी घमंड था हमारी ऊपरली सरकार है बे तो यो जाट का सरपंच बन गई बन गया था क्या वो या ये भी यो घमंड था इसने। अच्छा ये कह रहा था जाट सरपंच नहीं हां बनने नहीं चाहिए, हमने बना दिया तुम्हारे से भी दुश्मन ले रहा था उसकी तो जान गई है। 23 करोड़ का बला है चार्ज दिया कोने चार्ज देने पाने भाई बला लिया गड़बड़ कर रहा है कई करोड़ रुपया खा रहा है भाई का तबला है जमा रहा है। देखो भाई ये कई करोड़ रुपया आप खा रहे थे ना खा रहे थे वो तो सरकार पता कर ले, आपने एक परिवार का मुखिया खो दिया, छोटे छोटे बालक आपने जो है वो रोड पे लेके खड़े कर दिए वो के करेंगे रहे, और जिनका मरा है भाई उसको ईसा को मर नहीं रहा वो मर मारा रहा है, क्यों नहीं पकड़ के उसको जेल में दिखाते, यहाँ कब तक पड़े रहेंगे हम ये बताओ। कोई एक्सीडेंट होगा ठीक एक्सीडेंट होगा तो उसके चोट के निशान तो मिलेंगे, उसके बाद कोई निशान नहीं, चोट कोई निशान नहीं है, कोई निशान चोट का कुछ ना कुछ कार्रवाई करो, ये साजिश है इनको मारा गया है, साजिश को चोट चोटने लगी है, उनकी मिसिज बाहर गई हुई थी घर की मायके गई हुई थी उनकी मिसिज घर से उठा बुला के मारा गया। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली लगातार तस्वीरों से बने हुए हैं माता जी, अमित मारा को फांसी तोड़ना चाहिए भाई, मारा सफर जबावना इतना उठा नहीं, हमने चढ़ दिन रात रहे राम चाहे कई दिन भूखे पैसे पड़े रहे यहाँ से उठा नहीं गया। राजा बहन जी जी तो जी क्या लग गया है आपने, कब तक यहाँ बैठे रहोगे, क्या प्रशासन गिरफ्तार करेगा इतना, अगर कोई कार्रवाई ऊपर तो नहीं होती इतने पूरा गाँव साथ में है तो गांव को छोड़कर हम ये नहीं है कि हम इस मुद्दे को हम छोड़ देंगे ठीक है, तो कोई तो कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं बताओ अगर आज उसका होया तो कल पूरे गांव के साथ हो सकता है ये काम। छोटे बच्चों का क्या रहा उनका बेचारा, कोई कोई बाबू है नहीं कहने क्या रहा करेंगे वे नहीं बताओ, कोई सरकारी नौकरी नहीं उसकी ए, वो तो अपना हाथ का बिजनेस कर रहा था कुछ तो उसके साथ अपना घर परिवार चला रहा था वो ठीक है, गए थे ले आया है। ये कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए या गांव वालों को करनी चाहिए ये क्यों नहीं पकड़ा वो, अगर हॉस्पिटल में आता उसको दिखाना क्यों नहीं। अच्छा ऐसी धमकी किसने दी है भाई साहब के भाई मेरा तो सरकार में हाथ है मेरा कुछ नहीं हो भाई, पूरा सरपंच अमित मदाल ने धमकी दी है ऐसा क्या है, ऐसा कहा गया है वो चार्ज दे रहा है कितने बार, वो चार्ज क्यों दे रहा है वो सारी बार ये बात क्या करता, खट्टर भी मेरा है और मनीष गराउर भी मेरा और मेरी सरकार है, ऐसा कुछ नहीं है सब आप अपने पदों पे आप अपना काम करने लग रहे हैं, उसको वैसे ही मन में ये बैठ रही थी कि मेरा सब कुछ है और इसी उसमें घमंड में उसने ये क्राइम कर दिया, लेकिन ये भुगतना मुश्किल हो रहा है, पूरा चांदी गांव मुर्गवांड रोड के ऊपर जमे बैठे हैं भाई, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी इनकी मांग है कि भाई अमित मदान पूर्व सरपंच की गिरफ्तारी हो, उससे पहले ये यहाँ से नहीं उठने वाले जाओगे उठे ही नहीं गए बेटा, ईसा बाल क्या कितने लिया बेटा कितने लिया ईसा लाल अब नहीं है हमारी जो मरना था इसका क्या काम है फिर क्यों नहीं पकड़ रहे उसको, कहते उसको आर्डर ले आकर करो नहीं तो मरना चाहते हम उठे को नहीं गए सारे नहीं पीछे से उठा ले गया उसको वो, और 9 बजे पहले उसकी इतनी दुश्मन आई थी उसने वहाँ जाकर रिकॉर्ड देना था कि जो बालकान बलान था हमारे बालक थे हम भी थी तो हमारे को किसी को तो नुकाना था भी मैं रिकॉर्ड दूंगा तेरे को संभालूंगा, रात को 9 बजे को रिकॉर्ड देने का कोई काम नहीं होता, तो भाई गांव का पूरा अंदेशा है कि विजेंद्र पहलवान जो हालिया सरपंच था चांदी गांव का उसकी हत्या करी गई है, और उस हत्या को एक्सीडेंट दिखाने का एक तरीका बनाया है कि भाई इस हत्या को एक्सीडेंट दिखा के इससे भी बचा जा सके और सारे जो क्राइम कर रखे उनसे भी पीछा छूट जाए, लेकिन भाई भगवान के अगर न्याय है सारे काम ठीक होंगे और भाई प्रशासन उसको छोड़ेगा नहीं, जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आओगी विसरा की रिपोर्ट आओगी सारी चीज़ें क्लियर हो जाऊंगी, तब तक के लिए भाई बने रहिए अभी मनी मूवीज़ के साथ, लगातार अपडेट हम आप लोगों के सामने लेके आते रहेंगे, सारे भाई ने राम राम भाई, जय हिंद जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।